नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़लाइन में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। जॉनसन बेबी शैम्पू की बिक्री रोकने का आदेश। नई दिल्ली, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक लगाने को कहा है। संस्था ने लैब जाँच में गुणवत्ता के मामले में शैम्पू के फेल हो जाने के मद्देनजर यह आदेश दिया है। NCPCR ने सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में जॉनसन बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक लगाने और दुकान से इसके स्टॉक हटाने का आदेश दिया है। राजस्थान के जयपुर स्थित औषधि जांच प्रयोगशाला में बेबी शैम्पू में हानिकारक फॉर्मलडिहाइड तत्व होने की पुष्टि हुई है। NCPCR ने 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसाम से जॉनसन बेबी शैम्पू का पाउडर से जॉनसन बेबी शैम्पू और पाउडर के सैंपल जांच रिपोर्ट मांगी थी। शैम्पू और पाउडर में अभ्रक और कैरोसिनोजेनिक पदार्थ होने की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने जांच रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में हानिकारक पदार्थ की पुष्टि होने के बाद उसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। पाउडर के सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आनी है। आयोग ने पाउडर की जांच रिपोर्ट भी जल्द भेजने को कहा है। चीन छोड़ भारत आने की तैयारी में अमेरिका की 200 कंपनियां चीन से अपना उत्पादन आधार हटाकर भारत लाना चाहती है। इसके लिए वे भारत में चल रहे आम चुनाव के संपन्न होने का इंतजार कर रही है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म ने यह जानकारी दी है। फॉर्म के प्रेसिडेंट मुकेश आघी ने कहा, चीन का विकल्प तलाश रही कंपनी के लिए भारत बेहतरीन अवसर के रूप में उभर सकता है। से लेकर सीमा शुल्क तक की बात शामिल है। ये सभी महत्वपूर्ण मसले हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।